अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक देखती हूँ आपको सुनते काना फातना फूड व्लॉग की तरफ से आपको सलाम <laughs> उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक बस क्लास ए वन आज मैंने कहा तारक बज़ में अज़ीज़ शो की तरह वेलकम किया जाए आप लोगों का मैं बना रही थी जी दाल गोश्त और इधर मैं मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ इधर मैंने ले लिया था ऑयल हांडी के हिसाब से अपने उसमें मैंने ऐड कर ली दो मीडियम साइज़ के प्याज और साथ ही मैंने दाल भी बॉयल होने के लिए रख दी थी इसको मैंने घंटा पहले भग दिया था आधा कप है ये दाल और जब प्याज मेरे गोल्डन लाइट गोल्डन होना शुरू हो गए थे तो फिर मैंने बीच में ऐड कर दिया था गोश्त दो से तीन अदर टमाटर मीडियम साइज़ के अदरक मैंने कूट लिया था लहसुन मैंने ऐसे साबत ही डाला है और ये डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया था डेढ़ कप पानी और पानी डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाले था जी नमक हंसबे जायका मैंने इसमें डाला था एक से डेढ़ चम्मच नमक और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड की थी एक से डेढ़ चम्मच लाल मिर्च एक चम्मच हल्दी और ये डालने के बाद फिर मैंने इसको लगा दिया था वेट और जब तक मेरा गलता है गोश्त तब तक आप मेरी वीडियो को कर दें लाइक चैनल को कर दें सब्सक्राइब ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो आसानी से मिल जाए ये रोज़मर की चीज़ें हैं पकने वाली लेकिन हर तरह हर किसी का एक अपना स्टाइल होता है अपना तरीका होता है पकाने का इसलिए हमें किसी ना किसी वीडियो से एक नई चीज़ लाजमी सीखने को मिलती है तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और 10 मिनट का वेट लगाने के बाद ये गोश्त मेरा गल चुका था और फिर मैंने इसमें ऐड किया एक चम्मच सूखा धनिया मसाले आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं और सूखा धनिया ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दी थी तीन अद हरी मिर्चें और वो ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह फिर भुना था और जब इसका ऑयल निकल आया था तो मेरा गोश्त भुना गया था आप कोई भी चीज़ हो कोई भी चीज़ भून रहे हो तो उसकी ये निशानी है कि जब वो ऑयल छोड़ दे तो मतलब है कि ये भुना गया और भूनने के बाद फिर मैंने इसमें दाल ऐड कर दी थी जिसको मैंने लदर से बॉइल किया था और दाल ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था एक से डेढ़ कप पानी दाल ऐड करने के बाद मैंने इसको ज़्यादा नहीं भूना क्योंकि मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था कि अगर चने की दाल को भूना जाए तो वो भूनने से सख्त होती है तो इसलिए फिर मैंने इसको ज़्यादा नहीं भूना और बस गोश्त में ऐड करके थोड़ा सा मिक्स किया और उसके बाद पानी डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था और फिर मुझे जितनी इसका शोरबा कह लें ग्रेवी कह लें जितनी भी वो थी जितना भी मुझे उसकी वो थी मैंने उतना फिर उसको का का लिया था पानी को और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दस से पंद्रह मिनट के बाद जब मुझे जितना इसकी ग्रेवी चाहिए थी वो रखने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थोड़ी सी कसूरी मेथी हरा धनिया और पिसा हुआ गर्म मसाला और ये मेरा जी दाल गोश्त हो चुका है रेडी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा मिलूँगी आपसे एक न्यू ब्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू